सलमान खान के घर चोरी छुपे घुसा एक फैन। सलमान कर रहे हैं सोहेल के एक्टिंग करियर को चमकाने की कोशिश। वरुण को नहीं रहा अर्जुन पर भरोसा। दिशा पाटनी की वजह से टाइगर ने करवाया कृति का बड़ा नुकसान। सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में चोरी छुपे घुस आया एक फैन। क्या हुआ जब खान फैमिली को उनके बाथरूम में दिखा एक अनजान शख्स? सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुस गया एक फैन। देर रात गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाथरूम में ले ली इस फैन ने पना। फैन को पकड़कर पुलिस के कर दिया गया हवाले। रिसेंटली बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के घर एक अजीब इंसिडेंट हुआ, जब उनका एक फैन देर रात बांद्रा में उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुस गया। इस फैन ने सबकी नजरों से बचने के लिए वॉचमैन के लू में ले ली पना। लेकिन सलमान के अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड्स को इस बात की भनक लग गई और फिर इस फैन को बांद्रा पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस फैन ने पुलिस के सामने अपना नाम मोहम्मद सिराजुद्दीन बताया और उनके सवाल पूछने पर ये कहा कि वो सिर्फ वॉशरूम यूज करने के मकसद से सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसा था और उसका कोई और मोटिव नहीं था। सलमान बीएमसी के शौचालय अभियान के फेस हैं और वो हाल ही में गोरेगांव के स्लम्स में भी साफ सफाई और शौचालयों के यूज को बढ़ावा देने पहुंचे थे और अब उनके अपार्टमेंट पर ही एक फैन के इस तरह बाथरूम को यूज करने के लिए घुसने के इंसिडेंट से कई सवाल उठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। वरुण धवन नजर आए अपने डैड डेविड धवन और भाई रोहित धवन के साथ पार्टी करते हुए। वहीं सलमान की गर्लफ्रेंड यूलिया ने भी जमकर की पार्टी। प्रियंका चोपड़ा हुई अब्रॉड के लिए रवाना तो दिलजीत दोसांझ ने की अपने फैंस की विश पूरी। और क्या कुछ हुआ बी टाउन में, फाइंड दैट आउट इन द नेक्स्ट स्टोरी। वरुण धवन नजर आए अपने डैड डेविड और भाई रोहित के साथ पार्टी करते हुए। पार्टी से बाहर आते वक्त जहां फोटोग्राफर्स कर रहे थे वरुण को क्लिक, वहीं वरुण का सारा ध्यान था अपने डैड पर। यहां वरुण एक केयरिंग सन की तरह अपने डैड को कार में ठीक से बैठाने की कोशिश में लगे थे। वैसे यही हमने सलमान की गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर को भी स्पॉट किया, हालांकि यहां सलमान उनके साथ नजर नहीं आए। यूलिया जब पार्टी करके बाहर आ रही थी तो कुछ बच्चे उनसे उनकी हेल्प करने को कहने लगे। पहले तो यूलिया ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्होंने अपनी कार से निकलकर एक पैकेट उन्हें दे दिया। यूलिया के इस जेस्टर को देखकर लगता है कि वो भी सलमान की तरह लोगों की हेल्प करना सीख गई हैं। सलमान कई बार ऐसे बच्चों की हेल्प कर चुके हैं। वैसे मुंबई एयरपोर्ट पर भी कल प्लैनेट बॉलीवुड ने किया दिलजीत और प्रियंका चोपड़ा को स्पॉट। कुछ दिन मुंबई में बिताने के बाद पीसी हो गई हैं अब्रॉड के लिए रवाना। जहां प्रियंका मुंबई से अब्रॉड जा रही थी, वहीं दिलजीत मुंबई पहुंचे थे। यहां दिलजीत ने मुंबई एयरपोर्ट पर अपने फैंस को ग्रीट भी किया और उनके साथ पिक्चर्स भी क्लिक करवाए। पर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई। सलमान खान ने अपनी टीम को दिया है एक ऑर्डर जिसे हर किसी को मानना ही होगा। सलमान खान ने अपने साथ काम करने वालों के लिए लगा दी है एक कंडीशन और इस कंडीशन को उनकी टीम को हर हालत में पूरा करना होगा। सलमान खान ने अपनी टीम को दिया है एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर। सलमान खान ने अपनी टीम को सुनाया है फरमान।
अब सलमान खान की फिटनेस के बारे में दुनिया जानती है, लेकिन यही फिटनेस उनकी टीम के लिए परेशानी बन गई है, क्योंकि सलमान चाहते हैं कि उनकी टीम भी रहे फिट। सलमान ने अपनी टीम में सभी को फिट रहने की एडवाइस नहीं दी, बल्कि ऑर्डर दिया है। सलमान ने अपनी टीम को हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और वर्कआउट के लिए भी कहा है। सलमान नहीं चाहते कि उनकी टीम में कोई भी रहे अनफिट, इसीलिए उन्होंने अपनी टीम के लोगों को उनके वर्किंग आवर्स में से कुछ समय फिटनेस के लिए दिया है, ताकि वो लोग अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख सकें। सलमान हमेशा से ही फिटनेस फ्रीक हैं, लेकिन अब वो अपने आसपास के लोगों को भी फिटनेस के लिए अवेयर करना चाहते हैं, और इसकी शुरुआत हुई है उनकी टीम के साथ। चलिए, भले ही दबंगाई के साथ ही, लेकिन सलमान यकीनन एक अच्छा काम तो कर ही रहे हैं। फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई। पिछले काफी समय से ऐसी खबरें आ रही थी कि शाहिद कपूर अपनी वाइफ के साथ करने वाले हैं एक फिल्म, और अब प्लैनेट बॉलीवुड को पता चला है कि फिलहाल शाहिद ने अपनी वाइफ की डेब्यू फिल्म पर फोकस करने के लिए कोई और प्रोजेक्ट साइन नहीं किया है। शाहिद कपूर अपनी वाइफ मीरा के लिए नहीं साइन कर रहे कोई भी फिल्म। मीरा राजपूत करेंगी हबी शाहिद कपूर की फिल्म में डेब्यू। मीरा राजपूत के बॉलीवुड में डेब्यू पर है शाहिद का पूरा फोकस। रिसेंटली शाहिद कपूर की वाइफ लाइमलाइट में आ गई थी, जब उनके बॉलीवुड में डेब्यू की खबरें सामने आई थी। ये भी पता चला था कि मीरा हबी शाहिद की फिल्म में ही डेब्यू करेंगी। एंड अकॉर्डिंग टू अ क्लोज सोर्सेज, शाहिद कपूर मीरा की डेब्यू फिल्म पर पूरी तरह से फोकस करना चाहते हैं। शाहिद फिलहाल संजय लीला भंसाली की हिस्टोरिकल फिल्म पद्मावती की शूटिंग में बिजी हैं, और अपेरेंटली उन्होंने इस फिल्म के बाद मीरा की डेब्यू फिल्म को ध्यान में रखते हुए कोई भी प्रोजेक्ट साइन नहीं किया है। शाहिद अपने स्केड्यूल को मीरा के डेब्यू फिल्म के लिए फ्री रखना चाहते हैं, और चाहते हैं कि मीरा के ऑपोजिट उनकी फिल्म को परफेक्ट बनाया जा सके, ताकि व्यूअर्स के दिलों और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म करे कमाल। वेल, शाहिद एक ग्रेट हबी होने का पूरा फर्ज अदा कर रहे हैं। होप उनकी ये मेहनत और मीरा और शाहिद के रियल वाला रोमांस भी व्यूअर्स को खूब पसंद आए। संदेश अगाते, जूम मुंबई। श्रीदेवी की डॉटर जानवी कपूर आजकल अपने आप को लाइमलाइट में रखने की काफी कोशिश कर रही है, क्योंकि जानवी नहीं चाहती कि उनका बॉलीवुड डेब्यू डिले होने की वजह से वो रहे न्यूज से बाहर। श्रीदेवी की डॉटर जानवी कपूर ने डेब्यू से पहले ही बनाई स्ट्रैटेजी। सारा अली खान से पिछड़ने के बाद जानवी ने अपनाई एक स्पेशल स्ट्रैटेजी। जानवी ने बॉलीवुड डेब्यू में डिले होने के बाद खुद को न्यूज में रखने के लिए बनाई स्ट्रैटेजी। बॉलीवुड की फिल्मी फैमिली से ताल्लुक रखने वाली दो अपकमिंग स्टार्स पर आजकल है सबकी नजरें। यहाँ बात हो रही है सैफ अली खान की डॉटर सारा अली खान और श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर की, जहाँ सारा अली खान को मिल गई है उनकी डेब्यू फिल्म, जिसमें वो सुशांत सिंह राजपूत के ऑपोजिट दिखाई देंगी। वहीं अपेरेंटली जानवी के बॉलीवुड डेब्यू में हो गया है थोड़ा डिले। According to our sources, जानवी नहीं चाहती कि वो सारा अली खान से अभी से बॉलीवुड की रेस में पिछड़ी हुई दिखाई दें। अपेरेंटली जानवी ने खुद को न्यूज में बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पब्लिक अपीयरेंसेस करने की प्लानिंग की है। अपेरेंटली जानवी को डर है कि कहीं मीडिया की लाइमलाइट सारा पूरी तरह से ना लूट लें और जानवी उनसे पिछड़ी हुई दिखाई दें, इसीलिए जानवी ने अपने पीआर मशीनरी को भी एक्टिव कर दिया है। वेल, लगता है जानवी एक्टिंग के साथ साथ हर तरीके से खुद को बॉलीवुड के रंग में ढाल चुकी हैं, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी तो कुछ यही बात साबित करती है। वो संदेश अगाते, जूम मुंबई। सलमान खान कर रहे हैं सोहेल के एक्टिंग करियर को चमकाने की कोशिश, और इसीलिए सलमान अपनी फिल्म ट्यूबलाइट की एक्टर जूजू को भी नहीं बना रहे हैं प्रमोशंस का हिस्सा। लेकिन क्या सलमान की ये कोशिश पड़ सकती है उनकी फिल्म पर भारी? सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट का हो रहा है जमकर प्रमोशन, लेकिन एक्ट्रेस जूजू नहीं है इस प्रमोशन का पार्ट। क्या भाईजान ने किया जूजू को प्रमोशन से दूर? सलमान खान आजकल अपनी अपकमिंग फिल्म ट्यूबलाइट के प्रमोशन को लेकर चल रहे हैं काफी बिजी।
सलमान जहां भी प्रमोशन के लिए जा रहे हैं उनके साथ नजर आ रहे हैं भाई सोहेल खान। अब ऐसे में उठ रहा है ये सवाल कि इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही जूजू क्या नहीं है प्रमोशन का पार्ट। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज जूजू को भी करना था फिल्म का प्रमोशन, लेकिन सलमान चाहते हैं कि फिलहाल उनके भाई सोहेल दें फिल्म के प्रमोशन में उनका साथ। अब भला भाईजान की इस बात को कौन कर सकता है इग्नोर, इसीलिए जूजू फिल्म के प्रमोशन में कहीं भी नजर नहीं आ रही हैं। अब कहीं ना कहीं ये भी है सच कि सोहेल के चक्कर में फिलहाल जूजू नहीं बन पा रही हैं फिल्म के प्रमोशन का पार्ट। सोर्सेज का कहना है कि आगे जूजू भी करेंगी इस फिल्म को प्रमोट, लेकिन अभी ये नहीं हुआ है क्लियर कि कब नजर आएंगी वो इस फिल्म को प्रमोट करती हुई। फिलहाल इस पूरी न्यूज पर अभी तक सलमान की टीम की तरफ से नहीं आया है कोई भी कॉमेंट। वेल, जहां सलमान अपने भाई सोहेल के साथ कर रहे हैं फिल्म को हर जगह प्रमोट, वहीं जूजू कर रही हैं अपनी बारी का काफी ईगली वेट। अब हम तो यही कहेंगे कि दरिया दिल सलमान जल्द ही बना ले जूजू को अपने फिल्म प्रमोशन का पार्ट। ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। क्या वरुण धवन आजकल खुद को मानने लगे हैं अर्जुन कपूर से बेहतर एक्टर? वेल, अब जिस तरह वरुण अपने क्लोज फ्रेंड सर्कल में अर्जुन के बारे में बातें कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि वरुण को अर्जुन की फिल्म्स पर नहीं रहा भरोसा। क्या वरुण धवन मानते हैं खुद को अर्जुन कपूर से बेटर? क्या अर्जुन से ज्यादा अपनी फिल्म पर है वरुण को यकीन? अकॉर्डिंग टू सोर्सेज वरुण धवन आजकल अपने क्लोज फ्रेंड सर्कल में कर रहे हैं अपनी जमकर तारीफ और अर्जुन के लिए ऐसे कमेंट जो शायद अर्जुन को पसंद ना आए। एक्चुअली वरुण की फिल्म जुड़वा 2 और अर्जुन की फिल्म मुबारका में दोनों का है डबल रोल और अपने डबल रोल को लेकर दोनों हैं काफी एक्साइटेड भी, लेकिन वरुण एक्साइटेड से ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। सोर्सेज से मिली इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जब वरुण से पूछा गया कि आप और अर्जुन दोनों ही डबल रोल में आने वाले हैं नजर, तो इस पर वरुण ने कहा कि मेरी फिल्म तो ब्लॉकबस्टर होने वाली है, लेकिन अर्जुन की फिल्म का मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। अब अपनी फिल्म के लिए कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन किसी और की फिल्म का क्या होगा ये कहना तो जल्दबाजी है। माना कि अर्जुन की लास्ट कुछ रिलीजेस अच्छा नहीं कर पाई, पर उनकी आगे आने वाली फिल्म्स का क्या होगा ये कहना थोड़ा जल्दबाजी है वरुण। मुबारका में जहां अर्जुन डबल रोल में है वहीं उनके साथ अनिल कपूर भी हैं और जुड़वा 2 सलमान की सुपरहिट फिल्म का रीमेक है। ऐसे में वरुण ने खुद ही अपनी बातों के साथ शुरू कर दिया है कॉम्पिटिशन। ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। टाइगर से नाराज हो गई है कृति सैनन और इस नाराजगी की वजह है टाइगर की गर्लफ्रेंड दिशा पटनी। एक्चुअली दिशा के लिए टाइगर ने कुछ ऐसा किया जिससे कृति का हो गया एक बड़ा नुकसान। क्या टाइगर से नाराज हुई कृति सैनन? क्या कृति करना चाहती थी बागी 2 में काम? क्या टाइगर की वजह से नहीं मिली कृति को ये फिल्म? दिशा का नाम रेकमेंड करने से खफा हुई कृति? जी हाँ, सही सुना आपने, टाइगर से आजकल नाराज चल रहे हैं कृति सैनन। टाइगर के साथ हीरोपंथी में काम कर चुकी कृति टाइगर के साथ शेयर करती है ग्रेट बॉन्डिंग, लेकिन लगता है कि अब इस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को लग गई है किसी की नजर। सोर्सेज के अकॉर्डिंग टाइगर की अपकमिंग मूवी बागी 2 में काम करने के लिए काफी इंटरेस्टेड थी कृति सैनन, लेकिन टाइगर के रिकमेंडेशन के चलते फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म में कृति की जगह दिशा को कर लिया कास्ट। बस अब इसी बात से कृति हो गई है टाइगर से नाराज। बागी 2 में लीड हीरोइन को लेकर शुरुआत से ही उठ रहे थे काफी रूमर्स, लेकिन टाइगर कहीं ना कहीं अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड दिशा के करियर को लेकर थे थोड़ा कंसर्न। तभी तो टाइगर ने बागी 2 में अपने साथ दिशा को कास्ट करने के लिए फिल्म मेकर्स को किया था कई बार अप्रोच। टाइगर ये भी चाहते थे कि वो दिशा के साथ रियल और रियल लाइफ दोनों में करें एक साथ काम, जबकि सोर्सेस का कहना ये भी है कि फिल्म मेकर्स की फर्स्ट चॉइस नहीं थी दिशा पाटनी, लेकिन टाइगर की रिकमेंडेशन पे फिल्म मेकर ने भी फाइनली बोल दिया इस फिल्म के लिए दिशा को हाँ। वेल, शायद कृति को ये लग रहा है कि अगर टाइगर नहीं करते दिशा के काम को आगे पुश, तो उनके फैंस एक बार फिर से देख पाते ऑन स्क्रीन टाइगर और कृति की इस स्ट्रॉन्ग पेयरिंग को।
स्वज्योति सिंह, जूम मुंबई। And now it's time to turn on glamour. So get ready to see your favorite star getting candid in our next segment. We have the super cool Diljit Dosanjh in the house and with a very, very interesting Sonam here. Sonam, pehle I want to ask you, what is the most intriguing part about Diljit? Matlab Diljit ki sabse... Something that I really like about him is that he loves himself so much. He appreciates everything about him, what he's doing. That's interesting. I love myself, yes. दिलजी अपने बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, बहुत ज़्यादा हम्बल रहते हैं हमेशा। आप दिलजी को हाँ, लेकिन प्यार तो करता हूँ मैं अपने आप को। हाँ, प्यार करते हैं आप। हाँ। दिलजी बहुत ही प्यारा इंसान हूँ, और जो बंदा अपने आप को प्यार करता है वही दूसरे को प्यार कर सकता है। जो अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, प्यार नहीं कर सकता, वो दूसरे की रिस्पेक्ट और प्यार भी नहीं कर सकता। क्या लॉजिक बात की है। वाह, क्या लॉजिक है। फिलोसोफिकल। मुझे एक बात बता दिलजीत, आप सुपर हीरो मूवीज में हमेशा ये दिखाया जाता है कि वो इंसान मोस्टली सुपर हीरो मूवी की वो बहुत ही एक आम आदमी होता है, और उसमें एक ऐसी चीज़ आ जाती है, फिर वो ऐसे दुनिया से लड़ने लग जाता है। अंडरडॉग स्टोरी होती है, क्या आप डू यू लाइक प्लेइंग अंडरडॉग स्टोरी? मुझे लगता है मैं सारा दिन अंडरडॉग ही रहता हूँ, और फिल्म में भी ऐसे ही है वो, और जब वो हमारा सुपर हीरो बन जाता है तब भी बेचारा अंडरडॉग ही है वो। उसको बहुत देर तो पता नहीं चलता उसके पास क्या क्या पावर्स है। ऐसी चीज़ कही जो आप बहुत अनकम्फर्टेबल हो गए वैसे तो, एज अ कॉम्प्लीमेंट, बट आप ऐसे ऐसी चीज़ें तो होती रहती। एक एग्जांपल भेज में, एक बार एक लड़की ने ऐसे चोटी कर दी तो बेचारा शर्म का मारा, किसी को बता भी नहीं पाया, आज ही बताया आप लोगों को कि बोला तो नहीं किसी ने। खराब है, मुझे लगता है जब अगर लड़कों के साथ भी इस तरह की चीजें हो वो गलत है और नहीं करना चाहिए। चलो, मैं तो गुस्सा नहीं किया जी, पर हाँ जी, कुड़ियां नाल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए इदा, वो तो बिल्कुल गलत है। दैट इज ट्रू। पर चलो, मैं तो गुस्सा नहीं किया, मैं कुल ना, दैट्स नॉट द राइट वे। आई थिंक जाके प्यार से बात कर सकते हैं दिलजीत के साथ। पता नहीं क्या दिमाग गया है। यू कुड फाइंड आउट हु वाज द गर्ल हु डन इट। आपने की नहीं पता नहीं चला। ओके, नहीं तो दिलजीत, जैसे मैंने उनको पूछा व्हाट इज सबसे मतलब आसान तरीका टू गेट क्लोज टू यू, कौन सा होगा फॉर अ गर्ल, लाइक व्हाट डू यू लाइक? तो जिसकी आवाज अच्छी हो, बातें अच्छी करती हो। सो स्वीट आई लाइक। आवाज अच्छी, ऐसी नहीं कि सुर में हो, नहीं नहीं वो नहीं, मैं बात कह रहा हूं, एक आवाज अच्छी और होती है। किस तरह की आवाज? पता नहीं, मैं बता नहीं पाऊंगा। आप ब्लश कर रहे हो तो मुझे जानना है। और नहीं, बता नहीं पाऊंगा, लेकिन एक आवाज आप बता सकते हो किस तरह की आवाज के बारे में बात कर रही है? पता नहीं। जैसे सुपर सिंगर अगर काइली से मिलता तो क्या कहता है? क्या कहता? क्या कहता फिर? कहने को वैसे क्या रह जाएगा? मैं तो सारी पावरें लगा देता जी, और मैंने लगा भी रखी हैं। रणबीर कपूर नहीं करेंगे अरेंज मैरिज। मॉम करीना के फॉरेन शूट्स पर बेबी तैमूर भी जाएंगे उनके साथ। ऑल दिस एंड मोर कमिंग अप इन आवर नेक्स्ट शो 30 में 30। दिस इज इट फॉर नाउ, वी विल बी बैक टुमारो विद मोर बॉलीवुड जूस एंड स्कूप्स। अंटिल देन कीप वॉचिंग जूम, टर्न ऑन।